आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि कोई भी एक इवेंट के लिए स्टैमिना कैसे बढ़ाते हैं। स्टैमिना होता है कोई भी एक एक्टिविटी को सस्टेन करने का एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कितने देर तक आप रनिंग कर सकते हो या कितने देर तक आप साइकिलिंग कर सकते हो। सबसे बड़ा चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टैमिना बहुत स्पेसिफिक होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना साइकिलिंग डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो सकता है कि आपके रनिंग एंड्योरेंस पे कोई असर ना पड़े। हो सकता है कि रनिंग का कैपेसिटी बढ़ाने से आपको स्विमिंग पे कोई असर ना पड़े। ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि एक्चुअली जो अडेप्टेशन है जिससे आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है वो सिर्फ एक चीज़ में होती है, जिसके वजह से हमको ध्यान से एक पर्टिकुलर स्टैमिना का एरिया पर फोकस करना पड़ता है अगर हम एक्चुअल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जो स्टैमिना है ये एक्चुअली तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हम अभी आगे कवर करेंगे। अगर आप जनरल ट्रेनिंग के बारे में और जानना चाहते हो और कैसे एक्चुअली पूरा प्लान को डिज़ाइन करते हैं ये समझना चाहते हो, हमारे एडवांस पर्सनल ट्रेनर कोर्स को जाकर पढ़िए, उसमें ये सारे चीज़ काफ़ी डिटेल में कवर किए गए हैं। पहला चीज़ जो हमारा स्टैमिना को इन्फ्लुएंस करता है वो है एरोबिक बेस, यानी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। बेसिकली ये है कि एक टाइम पे हार्ट कितना ब्लड पंप कर सकता है, हमारे वेन्स और आर्टरीज कितना ब्लड को हैंडल कर पाते हैं, और ये ब्लड कितना अच्छे तरीके से हमारे मसल्स तक पहुंचता है। साथ में इसमें लंग कैपेसिटी भी आ जाती है। तो एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि करंट एथलीट का क्या एरोबिक फिटनेस है। बेसिकली हम लोग रेस्टिंग हार्ट रेट के हिसाब से देखते हैं। अगर रेस्टिंग हार्ट रेट 75 से ऊपर है, इसका ये मतलब है कि डेली एरोबिक वर्क करना पड़ेगा। अगर रेस्टिंग हार्ट रेट 60-75 के बीच में है तो फिर हफ्ते में 4 बार करना चाहिए, और अगर 60 से कम है तो हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। एरोबिक वर्क करने का प्रॉपर तरीका होता है कि मैक्सिमम हार्ट रेट जो होता है 220 माइनस एज इन ईयर्स का 60-80% के हार्ट रेट पर हमको 10-30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना चाहिए। ये एक्सरसाइज ऐसे कोई एक्सरसाइज के साथ करना चाहिए जो जॉइंट्स पे लोड ना डाले, जैसे इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉकिंग, साइकिलिंग, टू लेगेड स्किपिंग या स्विमिंग। स्टैमिना को इन्फ्लुएंस करने वाला सेकेंड फैक्टर है स्किल। बेसिकली जितना बढ़िया टेक्निक होगा उतना कम आप एनर्जी स्पेंड करोगे और उतना ज़्यादा एफिशिएंट आपका बॉडी होगा। जितना कम आप एनर्जी स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप उस एक्टिविटी को कर पाओगे, जिसके वजह से परफॉर्मेंस में एक बूस्ट आएगी। तो स्किल बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डेली प्रैक्टिस। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 100-200 रेपिटेशंस आप डेली या तो वार्म अप में या तो अलग से कोई एक ड्रिल को प्रैक्टिस करो, जिससे आपका उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए स्किल इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रनर हो तो रनिंग के लिए ए भी स्किप किया जा सकता है 100-200 रेपिटेशन सुबह जैसे उठते हो, उसके बाद शाम को वैसे भी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तो वैसे भी आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका स्किल का लेवल जल्दी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप और एफिशिएंट हो जाओगे और एनर्जी बचा पाओगे। एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए तीसरा चीज़ हम कर सकते हैं वेरीड प्रैक्टिस। बेसिकली थोड़ा बहुत चेंजेस लाने से हम लोग एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस बना पाते हैं। बेसिकली जब हम कोई भी इवेंट के प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, हम दो चीज़ चेंज कर सकते हैं, या तो उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं या तो हम लोग डिस्टेंस या टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर दौड़ना चाहता है तो डे वन को वो 5 किलोमीटर दौड़ सकता है लेकिन 25 मिनट्स में। डे टू को वो 3 किलोमीटर दौड़ेगा लेकिन टोटल 20 मिनट्स अभी भी टाइम देगी, तो थोड़ा स्लो रनिंग कर रहा है। फिर तीसरा दिन को कर सकते हैं कि हम 3 किलोमीटर दौड़ेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको 10 मिनट में करें, जो रिक्वायर्ड स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं। ऐसे एक दिन को हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं, एक दिन हम ज़्यादा स्पीड के लिए काम कर रहे हैं, एक दिन हम ज़्यादा पेसिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो अलग अलग दिन को अलग अलग चीज़ को टारगेट करके हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टैमिना को इम्प्रूव कर पाते हैं। आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमको स्टैमिना बढ़ाने के लिए एरोबिक बेस बनाना पड़ेगा। जिनका जितना खराब एरोबिक बेस है उतना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि ये सारे स्टैमिना का फाउंडेशन है। सेकेंड चीज़ है, हमको टेक्निक को सही करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड चीज़ है, जो मेन प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हम लोग एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज़ हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले वीडियो में आंसर कर लें। अगर आप डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए जहां पर अभी हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।